मैंने कहा कि लड़की वाले भी राय बहादुर है, बहुत बड़े साहूकार है। लड़की जरा बात सूरत हुई तो क्या हो गया, जरा दहेज की तरफ ध्यान दो, पूरे 2 लाख रुपया दे रहे हैं वो। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उधार लेके धूमधाम से शादी कर देंगे, खानदान की इज्जत का सवाल है ये। बाद में पोल खुल गया तो खानदान की इज्जत संधियों के तलमो तले मचली जाएगी। 100-100 बातें सुननी पड़ेंगी, उधार लेने चले हैं, नौकरों की तनख्वाह, नौकरों की तनख्वाह तो दे नहीं सकते। नहाने का सामान तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को, लोग अपनी इज्जत के लिए अपनी जान रख रहे हैं, लाठियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं। अबे और हम का बच्चे सब सब उनके तरह है। नया सब चार जल्दी लाओ, फट हो जाए इसको। अबे सुनो राय बहादुर चमन लाल, एक कपड़े धोने वाले साबुन का चाहेंगे सब जी। बाहर जाके किसी को मत बोलना, राय बहादुर चमन लाल कपड़े धोने वाले साबुन देना। हेलो फिलोसोफर। हेलो सुमित्रा, आज बहुत इंतजार करवाया। क्या करूं, तुम्हें मेरे बाल जो पसंद नहीं आते, इन्हें बनाने में देर लग गई, आज तो ठीक है ना? क्या बात है, ऐसे मालूम होता है जैसे अजंता की गुफाओं से चली आ रही हो राकेश के दिल तक। आज क्या पियोगे? जो पिला दो। मजाक छोड़ो। मजाक की क्या बात, तुम्हारे हुस्न के सुरूर के आगे लड़खड़ा रहा हूँ, जो चाहे पिला दो। जानते हो राकेश, आज पिताजी से बात की। सच? बोले तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। तुम्हारी पसंद क्या है? है नाम? नाम भी है। देखने में कैसा है? ऐसा ही मुझ जैसा। तुमसे कुछ मिलता जुलता है, सुना है फिलॉसफी का बड़ा शौकीन है। तुम अब तक उससे मिली नहीं? कल मिली थी। कहाँ? ख्वाबों में। बड़ा शैतान है, तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगा और वो भी बिना पूछे। बड़ा बदतमीज है, इसलिए तो कहा था ना कि मुझसे शादी कर लो, कम से कम मैं तो पूछ के आता हूँ ख्वाबों में। किसकी ख्वाबों में? मेरे नहीं तो है। नाम? नाम भी है। देखने में कैसी है? ऐसे ही मुझ जैसी? नहीं, तुमसे मिलती जुलती है। सुना है बाल बनाने की बहुत शौकीन है, ऐसे लगता है जैसे अजंता की गुफाओं से चली आ रही हो। तुम उसे अब तक मिले नहीं? मिला था कल ख्वाबों में। न जाने क्या करेगी, न जाने क्या करेगी तेरी झुकी झुकी नजर, वो झुकी झुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। न जाने क्यों है तेरी मुझ पे रुकी रुकी नजर, वो रुकी रुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। देखो ये नजारे हमें पहचानते हैं, देखो ये नजारे हमें पहचानते हैं, ऐसे हंसते हैं जैसे सब जानते हैं। सिवा तेरे नहीं मालूम किसी को वो दास्ता, सुनाए किसने इन्हें कैसे हुई इनको खबर, वो हुई इनको खबर। ओए जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। तूने मेरी जान नहीं तूने लिया तो दिल गया दीवाना किधर, गया दीवाना किधर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर।
कोई तेरे पहले कोई तेरे बाद नहीं, कोई तेरे पहले कोई तेरे बाद नहीं, बिना एक तेरे कुछ मुझे याद नहीं। तेरी हर बात पे है एतबार, जाने जहां किसी को यूं बनाना तूने कहां सीखा मगर, वो कहां सीखा मगर। ओए तुम्ही से जाने जिगर, तुम्ही से जाने जिगर, ओ तुम्ही से जाने जिगर, तुम्ही से जाने जिगर, ना जाने क्या करेगी तेरी झुकी झुकी नजर, ओ झुकी झुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर, हो जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। हाय राकेश, सॉरी आई एम लेट। आज फिर बाल बनाने में देर लग गई होगी। कैसे बने हैं ये कमबख्त बाल? अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। जरा सा तो वक्त मिलता है तुमसे मिलने का, उसका भी एक हिस्सा ये ले लेते हैं। लेकिन आज देर से आने की वजह ये नहीं, कोई और है। कौन? चारी। आज घर आया था पार्टी की दावत देने के लिए, बैरिस्टर बन के दिल्ली जा रहा है। ओ, तो पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठी। देखा, लगे ताने कसने, अब क्या उसे घर से निकाल देती? नहीं मैडम, उसे सर पर बिठा के रखिए, आखिर अमीरों के दोस्त अमीर ही तो होंगे। उसे टेनिस खेलने नहीं बुलाया? ओ राकेश, फिर मूड खराब हो गया। हेलो सुमी। आइए चारी साहब, आप ही का इंतजार था। हेलो, मुबारक हो चारी साहब, सुना है आप बैरिस्टर बन गए। भाई इरादा किया था, कामयाब हो गए, इसी का नाम जिंदगी है, जो हासिल करना हो करके छोड़ा जाए। आपको किस चीज की कमी है? आप जो चाहें आसानी से हासिल कर सकते हैं, मुश्किल तो हम जैसों को है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये फलसफाना अंदाज छोड़कर जिंदगी के असली पहलू पे गौर कीजिए। इसके लिए जरूरत है दौलत, ये आप कई बार कह चुके हैं और आपने हर बार ना की। ये शायद मेरी बदकिस्मती है कि मैंने हमेशा दौलत के आगे दिल को ज्यादा कीमती माना। लेकिन याद रखिए, आजकल का जमाना दौलत का जमाना है। इस बाजार में आपको दिल भी मुफ्त नहीं मिलेगा। क्यों समी, खामोश क्यों हो गई? शायद सोच रही हो कि हम दोनों में से बेवकूफ कौन है। परेशान ना हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आओ खेल शुरू करें। कम ऑन राकेश। तीन आदमी, इनका पार्टनर कहाँ है? रहने दो, हम खेलेंगे ये देखेंगे। आओ। कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी। तुम क्यों ना आए? सब आए थे, बड़े बड़े लोग, और चारी का मकान, उफ, महल है महल, ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे लंबे पर्दे, कालीन, नौकर चाकर, क्या ठाट बाट थी। हर आदमी चारी के सामने छोटा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत एटमोस्फियर था। तुम्हें पसंद आया? बहुत। हंसते क्यों हो? सुमित्रा मुझे डर है, तुम्हारे दिल में झांक कर देखने वाली आंखें शायद चांदी की चमक दमक से चुंधिया गई हैं। पर पैसा है बहुत जरूरी चीज, और चारी के पास पैसा बहुत है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम उससे जेलस हो। तुम समझते हो मैं चारी को चाहने लगी हूँ? अरे वो तुम उससे उम्र में बहुत बड़े हैं, और मुझसे पैसे में। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, सच बताओ क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ। कितना? इतना कि अगर तुम्हें बुलाने बैठूं तो शायद खुद को भी भूल जाऊं। तो क्या तुम ये नहीं समझते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके भी खुश रहेंगे? सच बोलो। तुम सच नहीं सुन सकोगे, सच बोलने से हमेशा नुकसान होता है। तुम्हें मेरी कसम। तो सुनो, सुमित्रा, शादी एक बंधन है जो कुछ दिनों बाद एक फंदा मालूम होने लगता है। अगर निभ जाए तो सात जन्म कट जाए, और अगर ना निभे तो सात पल भी नहीं। क्या मतलब? प्यार जब शादी में बदल जाता है तो जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज